हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो लाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इलेक्ट्रो लाइसिस क्या है। तो ये वर्ड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। अगर हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो डैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ए सबस्टांस बाई इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अगर किसी को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें क्या-क्या फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग यहां सीखते हैं कि ये इलेक्ट्रो लाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जहां हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं। तो इट इज द डिवाइस वेयर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट। एंड यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू केमिकल एनर्जी। तो देखिए, यहां केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हमें एनर्जी सिस्टम को देना पड़ रहा है। तो अगर सिस्टम को एनर्जी देना पड़े तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद नहीं होगा। इसमें ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस तब तक ही होंगे जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब तक प्रोसेस चलेगा तब तक हमको एनर्जी देना होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना बंद करेंगे, केमिकल रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे में जो डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, वो यहां पर पॉजिटिव होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर देखें तो इस सेल में एक कंटेनर होगा जिसमें हम लोग फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, या एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट होगा या एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का होगा, और इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। ये किसी मेटल का हो सकता है या ग्रेफाइट का हो सकता है। अब देखो, इसमें एक सेल हमें लगाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर हम जो सेल लगाएंगे वो इलेक्ट्रो
केमिकल सेल होगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत है। बिना इसके एनर्जी दिए ये सेल ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना होगा, तभी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब देखो, ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसके अंदर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मान लो इस रूप में है, ए प्लस बी माइनस। तो इसके अंदर दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। अब आप जान लो, कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, एनोड और कैथोड को पहले आप पहचानना सीखो। एनोड को क्या क्या पहचान है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होगा वही एनोड होगा, मतलब वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स वो एनोड होगा, और कैथोड वेयर रिडक्शन अकर्स, जहां रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड कहेंगे। अब आप जान लो कि अगर इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग इसको लेंगे, और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये कैसा आपका टर्मिनल है? नेगेटिव। और ये टर्मिनल आपका कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग किसको कैथोड कहेंगे और किसको एनोड कहेंगे वो समझते हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका नाम एनोड दे देंगे, और जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसका नाम कैथोड दे देंगे। तो देखते हैं, मान लो इसमें ये जो आयन्स हैं ए प्लस आयन, तो जब भी ए प्लस आयन होगा तो इसको किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना है, और चाहे वो नेगेटिव आयन हो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो। तो अगर इसको डिपॉजिट होना है तो पहले इसको अपना चार्ज लूज करना होगा, और उसके लिए इसे इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब न्यूट्रलाइज होकर वहां उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। अगर सॉलिड या लिक्विड होगा तो डिपॉजिट होगा, या अगर गैस होगा तो लिबरेट हो जाएगा। तो अब आप देखो, यहां पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव आयन उसी के पास जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव की ओर ही तो अट्रैक्ट होगा। तो जब ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। यहां पर क्या हो गया है? रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन कहाँ हुआ होगा? जो नेगेटिव टर्मिनल है वही रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास गया है। तो यहाँ जिस जहां रिडक्शन होगा उसका उसको क्या कहेंगे? कैथोड। मतलब यहाँ जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड के तरह काम कर रहा होगा। अब दूसरे की बात करें, बी माइनस, अगर इसको डिस्चार्ज होना है तो इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा, तो इसके लिए ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर घटकर जीरो हो गया, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कहाँ करेगा? कौन इसको अट्रैक्ट करेगा? जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ही इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है, और इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही इस नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा, और उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करके अलग करके ले गया होगा और इसको न्यूट्रलाइज करके छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, और जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो काम हुआ रिडक्शन का कहाँ हुआ? कैथोड पर हुआ, और ये जो काम हुआ वो
एनोड पर काम हुआ। तो इस तरीके से जो सबस्टांसेस हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जमा होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो कैटायन है वो कैथोड की ओर गया, इसलिए नाम पड़ा कैटायन, CAT, कैट से, कैट से कैटायन बना और कैटायन कैथोड की ओर बना, उसी गया। उसी तरह एनायन, एनायन एनोड की ओर जाता है, तो चूंकि एनायन गया है जिस इलेक्ट्रोड की ओर उसका नाम है एनोड, या कहिए एनोड की ओर एनायन मूव करता है और वहीं पर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम कर रहा। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो प्रोसेस होता है उसमें जो सबस्टांसेस डिपॉजिट होते हैं, जो कोई भी सबस्टांस डिपॉजिट होगा उसमें दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि कौन सा सबस्टांस किस इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ, ये नेचर ऑफ सबस्टांस को पता करना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना। जैसे अभी हमने देखा कि ए जो था वो कैथोड पर जाकर जमा हुआ और बी जो है वो एनोड पर जाके जमा हुआ, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। जैसे मान लो कि यहां पर सोडियम होता, तो सोडियम है जो Na+ आयन बनाता और क्लोराइड है जो Cl-, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता और ये सोडियम बनाता, तो यहाँ पर चूंकि रिडक्शन हो रहा तो ये कहाँ जमा होता, कैथोड पर, और Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता और ये जमा होता कहाँ पर, एनोड पर। तो देखिए एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिल रहा है जिसको हम HCl2 भी लिख सकते हैं, एनोड मिल रहा है, और कैथोड पर क्या मिल रहा है, सोडियम। तो कौन सा सबस्टांस मिल रहा है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव मतलब ये पता करते हैं कि किस टर्मिनल पर या किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा सबस्टांस डिपॉजिट होगा। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब जो भी चीज डिपॉजिट हो रहा किसी भी इलेक्ट्रोड पर तो वो कितना अमाउंट में डिपॉजिट हो रहा, एक वो एनालिसिस होता है। तो अब चलिए इसके लिए अब हम देखते हैं, दो लॉज दिए गए हैं, एक है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ आप देखिए क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसका कहना है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज पास के। तो यहां प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट डालते हैं जेड, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। खैर इसके बारे में डिटेल से आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप इससे जो करंट पास करवा रहे हैं वो आई है, आई क्या है, करेंट पास्ट, और टी हो टाइम फॉर विच द करेंट इज पास। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम, ऐसा हमने पढ़ा है। तो क्यू इज इक्वल टू क्यों क्या होगा, आई इंटू टी, इसको इधर भेज देंगे। तो मतलब क्यू की जगह आई टी यहां हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एम जो है वो जेड इंटू आई इंटू टी, हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब इस जेड के बारे में जरा पता करते हैं, ये जेड का वैल्यू क्या होगा। तो अगर जेड की बात करें तो देखिए जेड इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू टी, मतलब अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें
इस इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट को वैलेंट को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो दिस इज एक, अगर हम करंट को 1 एम्पियर ले लें और टाइम को 1 सेकेंड के लिए ले लें, तो 1 × 1 1 हो जाएगा और एम को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो जेड का जो वैल्यू है वो एम के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करेंट इज पास फॉर 1 सेकेंड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर जेड का वैल्यू क्या हो गया? एम अपॉन आई टी। एक फॉर्मूला तो ये है। अब देखिए इसको, इसका एक और वैल्यू भी हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए कोई एक आयन है एम एन प्लस, और एन अमाउंट में जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये डिपॉजिट होगा। तो आपने यहां 1 मोल ये सबस्टांस को जमा करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने इसे दिया। तो यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एफ के बराबर चार्ज होता है। तो मतलब आपके पास इतना कूलम चार्ज है जो आपने इसे दिया है, आपने इतना कूलम चार्ज जब दिया इलेक्ट्रोलाइट में तो इतना सबस्टांस डिपोजिट हुआ। तो इसका मास कितना होगा? जिसका जितना इसका फॉर्मूला वेट होगा के बराबर ही यहां पर मास जमा हो गया। तो फॉर्मूला वेट मान लो कि इसका ए है, मान लो कि इसका फॉर्मूला वेट ए है। तो अब देखो ये क्या कहता है, मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकेंड टाइम। तो एक और फॉर्मूला भी तो आ सकता है, इसके जगह क्यू कर लें, आई टी के जगह क्यू कर लें। तो यहां क्या होगा, अमाउंट ऑफ मास डिपोजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। अगर 1 कूलम चार्ज पास करे तो भी जेड एम के बराबर होगा। तो देखो चूंकि N × F कूलम चार्ज जब देते हैं तो A अमाउंट में सबस्टांस डिपॉजिट होता है, तो 1 कूलम चार्ज देंगे तो कितना होगा, 1 upon N × F। अब देखो A क्या है, इसका गिवेन मास है, सॉरी जो मास फॉर्मूला वेट के बराबर, यहाँ जो जमा हुआ फॉर्मूला वेट, तो फॉर्मूला वेट अपॉन N क्या है, वैलेंसी। N एक्चुअली में क्या था, इस आयन का वैलेंसी था। तो जब फॉर्मूला वेट को वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट। चूंकि ए अपॉन एन क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो उस हिसाब से, और यही आपका जेड का वैल्यू आ रहा है, 1 कूलम जब चार्ज पास करवाएंगे तो जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वही कहलाता है जेड। तो इसका मतलब जो जेड है वो एन ए अपॉन एन × 1 upon F लिख सकते हैं। और इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको आप E भी लिख सकते हैं, और अपॉन F। तो ये हो गया जेड। और हमको पता है कि F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9650। तो मतलब हमारे पास जो जेड का एक वैल्यू आया है वो क्या आ गया है, E upon 9650। तो हमारे पास इस तरह से जेड का 3 फॉर्मूला है, एक चार्ज एक करंट और टाइम के फॉर्मेट में, एक चार्ज के फॉर्मेट में, और एक इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मेट में। ये 3 फॉर्मूला आप जेड का ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं
इसके यूनिट की। तो यूनिट की अगर बात करें तो देखिए एम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। एम का मतलब क्या हो गया? केजी। और इसके हिसाब से निकालेंगे तो इसका यूनिट एम्पियर इंटू इसका यूनिट सेकेंड, एक ये हो सकता है। दूसरा इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो केजी अपॉन ये इसका कूलम, केजी पर कूलम। तो इस तरह से आप यूनिट पता कर सकते हैं। अब ये तो यूनिट भी हो गया। अब हम लोग आते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ में। फैराडे सेकेंड लॉ, इसको समझने के लिए हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेते हैं और दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग ऐड हमने डाल लिया है और दोनों में इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया है। और इसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दीजिए और इसको बैटरी के सॉरी एक पॉजिटिव से जोड़िए एक नेगेटिव से, और इसी तरह इसको जोड़ दिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मान लो कि आपने इसमें सॉल्यूशन लिया है AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और इसमें आपने मान लो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। आप कोई और भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, ZnSO4 या और कुछ भी, ठीक है। आपने सीरीज में कनेक्ट इसे कर लिया, तो जैसे ही आप करंट फ्लो करवाना शुरू करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट का, तो इक्वल अमाउंट में करंट फ्लो होता है। आपने पढ़ा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन फिजिक्स में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है। सारे जितने भी आपने चीजों को कनेक्ट किया है सीरीज में, वो सबसे इक्वल अमाउंट में करंट फ्लो होगा। तो करंट दोनों में इक्वल फ्लो होगा तो चार्ज भी दोनों में इक्वल फ्लो होगा। तो देखिए अगर हम इसको ए मान लें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी, तो फोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, पहले इसके लिए बात करें कि मान लो कुछ में सिल्वर के डिपोजिशन की बात करना है, तो सिल्वर का कितना मास डिपोजिट हुआ होगा ये हमें पता करना। तो एम इज इक्वल टू जेड एम सिल्वर इज इक्वल टू जेड सिल्वर इंटू क्यू। चार्ज तो दोनों में सेम, इसलिए इसमें एजी अलग से हम नहीं लिखेंगे। और फोर इलेक्ट्रो लाइटिक सेल बी। अब बी की बात अगर करें तो बी वाले में जो डिपॉजिट होने वाला है वो कॉपर डिपॉजिट होने वाला, तो एम सी यू ले लेते हैं, तो जेड सी यू इंटू क्यू ये चीज आ रहा है। अब आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो आपको क्या मिलने वाला है? तो एम एजी अपॉन एम सी यू इक्वल टू जेड एजी इंटू क्यू और जेड सी यू इंटू क्यू। तो यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल होगा और आपको मिलने वाला है एम एजी अपॉन एम सी यू और जेड एजी अपॉन जेड सी यू। अब देखो चूंकि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, तो इस हिसाब से इसको मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम एजी अपॉन एम सी यू और जेड के जगह क्या लिखेंगे, ई अपॉन इतना, तो मतलब ई एजी अपॉन 96500। और इनटू इसका जब लिखेंगे तो ई सी यू अपॉन 96500, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो चीज आया है फाइनली वो एम ए जी अपॉन एम सी यू इक्वल टू ई ए जी अपॉन ई सी यू आया। देखो ए जी तो यहाँ भी ए जी, सी यू ऊपर नीचे, तो सी यू का इक्विवेलेंट वेट भी नीचे।
मतलब कि जो मास है वो प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से होकर के इक्वल अमाउंट में जब करंट पास करवाते हैं जो उन तो उनके अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिट होंगे वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो ये है फैराडेस सेकेंड लॉ। अब देखिए जो क्वालिटी है या क्वांटिटी है कोई भी सब्सटेंस का किसी इलेक्ट्रोड पर जो डिपेंड करता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिपोजिशन ऑफ सबस्टांस ऑन एन इलेक्ट्रोलाइट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोड पर जो सबस्टांसेस डिपोजिट होने वाले हैं वो सबस्टांस का अमाउंट और उसका क्वालिटी मतलब कौन सा चीज डिपोजिट होगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप जैसा इलेक्ट्रोलाइट देंगे उसी टाइप का चीज डिपॉजिट होगा। जैसे मान लो कि आपने अगर NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो आपको डिपॉजिट होगा वो सोडियम और क्लोरीन ही डिपॉजिट होगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट ही ले रखा है। अगर आप KCl लेंगे तो आपको पोटेशियम मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। तो ये सबस्टांस के नेचर पर आप जो इलेक्ट्रोलाइट लिए उसके नेचर पर डिपेंड करें कि कौन सा चीज आपको मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है जो इसको प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है कि जो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले रखा है जिसको आप लोग कैथोड के रूप में जिस इलेक्ट्रोड जिस मेटल का यूज किया है या नॉन मेटल का यूज किया है और जिसको एनोड के रूप में यूज किया है वो कौन सा एलिमेंट का इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है। तो इलेक्ट्रोड को दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि इनर्ट हो मतलब सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर में उस इलेक्ट्रोड के एटम का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा या आयन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा है अटैकेबल इलेक्ट्रोड। मतलब ये ऐसे इलेक्ट्रोड हैं जो इलेक्ट्रिक करंट तो पास होने में मदद करते ही हैं साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर
होने वाले रिएक्शन में भी इसके एटम या आयन पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल का बना होता है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड ये सब का बना होता है, जबकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़ा रिएक्टिव, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव मेटल का होता है, जैसे कॉपर हो सकता है या इस टाइप के जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रोड भी अगर पार्टिसिपेट कर गया हो तो आपका जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उस हिसाब से प्रोडक्ट न मिल करके कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी आपको साथ साथ में मिल सकते हैं। लेकिन अगर अटैकेबल यूज किया और इनर्ट यूज किया है तो फिर आप जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं वो उसी हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसके हिसाब से मतलब इसके एटम का कोई भी कंटेंट आपको इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला नहीं है अगर ये यूज करें। अगर इसको यूज आपने कर दिया तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोड जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल के हिसाब से कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो है कि जो चीज ऑक्सीडाइज होने वाला है और जो चीज रिड्यूस होने वाला है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। और ये बात खास करके तब यूज होता है, तो पहले लिख लेते हैं टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग सबस्टांस एंड रिड्यूसिंग सबस्टांस। तो जनरली वर्ड हम यूज करें, जनरली क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक टाइप के कैटायंस या दो से अधिक टाइप के एनायंस हो तभी ये बात लाइट में आता है, यही तभी इस पर हमें विचार करना होता है। जैसे मान लो कि आपने NaCl का एक को सॉल्यूशन ले लिया तो उसमें Na प्लस और Cl के माइनस के आयन तो होंगे ही, इसके अलावा हाइड्रोजन आयन और OH माइनस भी होंगे, क्योंकि जब आपने एक को सॉल्यूशन लिया और उससे जब आप करंट पास करवाएंगे तो पता चलेगा कि ये तो इलेक्ट्रोलाइज होगा ही, साथ में वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज होगा और वो भी H प्लस और OH माइनस देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो टाइप के कैटायन हैं और दो टाइप के एनायन है, देखो दो टाइप के कैटायन और दो टाइप के एनायन है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोड पर, मान लो कैथोड पर इसको अटैक करना है और कैथोड पर इसे डिपोजिट होना है, तो ये डिपोजिट होगा या ये डिपोजिट होगा, अब ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में आप जान लो कि कैथोड पर किसका डिपोजिट होगा, दैट सबस्टांस विल बी डिपोजिटेड फॉर विच रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई, मतलब एट कैथोड कैथोड पर वो सबस्टांस डिपोजिट, इन दोनों में वो डिपोजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों डिपोजिट नहीं होगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो तो पता चलेगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ये जमा हो जाएगा और अगर इसका ज्यादा है तो ये जमा हो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि जिसका ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल वही जमा हो जाएगा कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर बात अगर एनोड की करें तो अगर एनोड की बात करें तो जस्ट उल्टा, एनोड पर वही डिपोजिट होगा, इन दोनों एनोड पर एनायन जाकर डिस्चार्ज होता है और वहां पर इन दोनों में वही एनायन जाकर डिस्चार्ज होगा और डिपोजिट होगा जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम है, यहां पर उल्टा। तो यहां पर डेट सबस्टांस विल बी डिपोजिट विच है डिपोजिटेड विच है रिडक्शन पोटेंशियल या हुज विच रिडक्शन पोटेंशियल इज लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। तो एनोड पर वो एनायन जाकर डिस्चार्ज होगा और डिपोजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा।